हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का, जो लोग EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी के स्कूलों में अध्यापक बनने का सपना देख रहे हैं पूरे देश में कहीं से भी। उनके लिए मैं बता दूं, वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बारे में एक छोटी सी सूचना है। पहली बात तो ये कि एकलव्य मॉडल ने लगभग 7700 टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट को सक्सेसफुली ज्वाइनिंग दे दी है और अब सेकंड चरण इसका शुरू होने वाला है, जिसके लिए आज इसकी ऑफिशियल मीटिंग है। जितने भी EMRS के ऑफिशियल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनकी आज सक्सेसफुल मीटिंग होने वाली है और EMRS के जो बचे हुए पद हैं उन पर वैकेंसी निकालने की बात होगी। तो जो भी पद होंगे 4400 समथिंग में जो पद आएंगे TGT PGT पोस्ट के, इन पोस्ट पर आपको विज्ञापन देखने को जल्द मिलेगा। बहुत सारे छात्र कंफ्यूजन में होंगे कि भाई इसके लिए एलिजिबिलिटी, सिलेबस, क्राइटेरिया क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। एकलव्य मॉडल के जो रेजिडेंशियल स्कूल हैं वो ट्राइबल को एजुकेट करने के लिए, थोड़ा सा जनजातियों को एजुकेट करने के लिए दूर दूर विद्यालय बनाए गए हैं, लेकिन अध्यापक तो आप ही लोग बनोगे जिन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आप एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में TGT और PGT का टीचर बनना चाहते हो तो आपके पास सबसे पहले क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, पदों की संख्या मैंने आपको बता दी है कि लगभग 4400 प्लस पद रहेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें बता दिया जाए 10-20 हज़ार वैकेंसी रहेगी, भारी वैकेंसी रहेगी, नहीं। TGT और PGT के पदों को अगर हम मिला दें तो लगभग 4400 प्लस पदों पर आपको ये वैकेंसी नेक्स्ट दिसंबर में, मतलब यही दिसंबर जो आ रहा है, इसमें देखने को मिल सकती है। और योग्यता के लिए आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, जैसा कि अन्य जगह का आपका TGT और PGT में जो एलिजिबिलिटी मांगता है एग्जैक्टली यहाँ पर भी ग्रेजुएशन प्लस बीएड, PG प्लस बीएड वही वाली योग्यता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली सेम टू सेम है, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप अन्य जैसे KVS के TGT PGT में आप देखते हैं, NVS के TGT PGT में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देखते हैं, या DSSSB में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देखते हैं, सेम वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको EMRS में भी देखने को मिलेगा। आयु पैटर्न भी लगभग वही है। तो ये सब चीज़ें जो डिटेल्ड बातें हैं, देखिए इंतज़ार है सबको नोटिफिकेशन का और इसके लिए आज एक सक्सेसफुल मीटिंग हुई है प्रिंसिपल्स की। आज यानी डेट मैं आपको बता दूँ 6 नवंबर को, और इस नवंबर के लास्ट तक ये डिसाइड कर लेना है कि आखिरकार ये जो 44 पदों की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो दिसंबर के सेकेंड हाफ तक आ सकता है और परीक्षाएं आपकी भाई फरवरी के आसपास होगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं EMRS वाले भाई। और छात्रों को क्या चाहिए रोज़गार, तो ये वीडियो उनके लिए है जो एक नौकरी खोज रहे हैं, मतलब उन्हें लगता है कि भाई कोई नौकरी मिल जाए, कहीं अपॉइंटमेंट मिल जाए, TGT PGT में अपना कौशल दिखाने का मौका मिल जाए तो एकलव्य मॉडल स्कूल। हालांकि KVS की और NVS की वैकेंसी भी आपके सामने जल्द देख रहे। देखिए ये सब वैकेंसीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं ये साल के अंत में आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। इनको आप बीच में फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे KVS देखिए 2023 में आया था, एकदम दिसंबर में आया था, फरवरी में पेपर हो गया था। एकलव्य मॉडल के स्कूल की वैकेंसी भी उधर आई थी और मई जून में जो है इसका एग्जाम हो गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो EMRS में अगर टीचर बनना है तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, तैयार हो जाओ। दिसंबर में इसका फुल और डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भर देना अगर ओवर एज नहीं हुए हो तो। बनो टीचर बढ़िया और पढ़ाओ ट्राइबल्स को। ऑल द बेस्ट।